नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीएसपन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के इतिहास का पांचवा पाठ है, औद्योगिकरण का युग। इसका पांचवा भाग पढ़ेंगे हम। तो देखो, देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच। तो सीधी सी बात है, प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो बहुत ज़्यादा उसकी भूमिका थी। तो वहाँ जब युद्ध हो रहा था तो यहाँ इंडिया में एक तरह से बहुत ज़्यादा फायदा मिला। कैसे मिला? तो देखो, इसका आंसर है ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत पूरी करने हेतु व्यस्त हो गए। जो कारखाने भारत में माल निर्यात करते थे वो अब सेना के लिए माल बनाने लग गए, इसलिए मैनचेस्टर से आयात कम हो गया। यानी मैनचेस्टर से आने वाला जो माल था जिससे भारतीय व्यापारी दुखी थे, वो क्या हो गया, भारतीय व्यापारी खुश हो गए। तो आयात कम हो गया तो हमारे यहाँ के जो कपड़े हैं वो बिकने लग गए। भारतीय बाज़ारों को रातों रात विशाल देशी बाज़ार मिल गया। यानी भारतीय जो बाज़ार है उसमें रातों रात हमारा जो बाज़ार है वो हमें वापस मिल गया। भारतीय कारखानों में भोज हेतु वर्दी, बोरिया, टेंट, जूते, घोड़े खच्चर की जिन, यानी जो घोड़े खच्चर के पीठ पे जो लगती है चमड़े की जिन, वो है, ऐसे सामान बनने लगे। यानी जब ब्रिटेन युद्ध में था तो इसका मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तो ब्रिटेन की जो सेना है उसके लिए भारतीय जो कारखाने हैं उनको भी क्या मिला, ऑर्डर मिला ये चीज़ें बनाने का। इससे हमारे जो कारखाने हैं उनमें वृद्धि हुई, उनकी जो आय है वो बढ़ी। इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो रोज़गार बढ़ा, यानी हमारे जो मजदूर हैं उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने लगा और उनकी आय बढ़ी, और हमारे यहाँ से कपड़े का, इनका सबका जो सामान है इनका निर्यात भी बढ़ने लगा। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध हमारे व्यापार के लिए अच्छा साबित हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कैसे कमज़ोर पड़ गई, यानी जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वे कैसे चरमरा गई। तो देखो, भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर को पहले जैसी हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। अब क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो गया तो वो जो स्थिति थी अब भारतीय बाज़ारों ने ले ली, इसलिए जो मैनचेस्टर को जो पहले वाली पोजीशन है वो वापस नहीं मिल पाई। हालांकि थोड़ा बहुत कपड़ा आता था हमारे यहाँ, लेकिन अब लोग समझदार हो गए। और यह दौर ऐसा भी था कि देखो, इधर गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था रोलर एक्ट के खिलाफ, तो इस प्रकार हमारे यहाँ बहिष्कार की नीति चल रही थी। तो कुल मिला के मैनचेस्टर के कपड़ों को अब वो हैसियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फिर आधुनिकीकरण नहीं कर पाने से, जो ब्रिटेन है उसने अपना आधुनिकीकरण नहीं किया जो और देशों ने किया, इसलिए वो पिछड़ गई। और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले भी कमज़ोर पड़ गए लोग जो ब्रिटेन वाले हैं। और कपास उत्पादन और निर्यात में गिरावट आने लगी, यानी इनके यहाँ जो कपास उत्पादन होता था उसमें गिरावट आने लगी, और ये जो निर्यात करते थे, जब उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात भी नहीं होगा, तो इस प्रकार इनको दिक्कत आई। और उपनिवेशों में स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाज़ार पर कब्जा कर लिया, क्योंकि युद्ध के दौरान जब या इनके जो बने कपड़े थे देसी बाज़ार में नहीं आए, तो वहाँ के जो उद्योगपति थे उपनिवेश के, जैसे भारत है और देश है जहाँ इनका ये मतलब एक तरह से गुलाम बनाते थे जिन देशों को, उन देशों में अब वहाँ के व्यापारियों ने ही कब्जा कर लिया। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई, यानी 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई, यानी जो हथकरघे हैं हाथ से बने हुए कपड़े में वृद्धि कैसे हुई। तो देखो, 1900 से 1940 तक 3 गुना उत्पादन हो गया। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल में 70 से 80% फ्लाई शटल वाले हथकरघे थे। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि लघु उद्योग में वृद्धि हुई। मोटे कपड़े गरीब पहनते थे और महीन कपड़े अमीर पहनते थे, तो ये दोनों ही कपड़े बुनते थे जो बुनकर थे वो, और ये बढ़ा, श्रम की मांग में कमी आई। अब क्या हुआ, इससे इनका व्यापार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा और श्रम की मांग में कमी आई, यानी जो श्रम है, श्रम जो है मेहनत है वो इनको कम लगने लगी। बनारसी, बालूचरी और बॉर्डर की साड़ियाँ और लुंगियाँ, मद्रासी लुंगियाँ, ये मिले नहीं बना पाती थी, क्योंकि ऐसे आइटम थे जो हाथ से ही बनते थे और बुनकर ही बनाते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हथकरघों पर बने कपड़े हैं उनमें वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश माल हेतु नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश जो लोग थे वो अपना माल बेचने के लिए क्या क्या प्रयास करते थे। तो पहला है लेबल लगाकर, जैसे आज हमारे यहाँ लगता है ना स्टिकर, हर सामान पे स्टिकर लगा हुआ आता है, उसकी डिटेल होती है, MRP होती है, इसी प्रकार ये लेबल लगाते थे, उस प्रोडक्ट का नाम लिखते थे, जगह का नाम लिखते थे
और भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर भी छापते थे, ताकि यहाँ के लोग अंधविश्वासी होते हैं तो भारत के देवी देवताओं के सम्मान के लिए वो चीज़ें खरीद लेते थे। और मेड इन मैनचेस्टर लिखने में विश्वास होता था, जैसे आज देखते हैं हम मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन हिंदुस्तान, मेड इन इंडिया, तो ऐसे ही मेड इन मैनचेस्टर से लोग अपना स्टेटस समझते थे कि भाई ये मैंने खरीदी है, लोगों को बताते थे, तो विश्वास होता था। और कैलेंडर पर विज्ञापन छापते थे वो, क्योंकि कैलेंडर हर जगह लगा होता है, दुकानों पर, दफ्तरों पर, पूरे साल टगा रहता है, इसलिए कैलेंडर पर विज्ञापन छापते थे। आज भी देखते हैं हम, कई कैलेंडर हमें मिलते हैं उनमें विज्ञापन होता है। और महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें छपती थी, ताकि ये जो आम जनता है वो उन व्यक्तियों का सम्मान करती थी, तो उनके सम्मान के लिए ही वो खरीदने लग जाती थी सामान। तो ये इनकी चालाकी थी सामान बेचने के लिए। और भारतीय निर्माता ने विज्ञापन में राष्ट्रवादी संदेश दिए, जो भारतीय निर्माता थे वो क्या करते थे, जो भी विज्ञापन होता था उसमें राष्ट्रवादी संदेश देते थे कि भाई हमारे देश का कपड़ा खरीदो, हमारे देश की चीज़ें खरीदो। तो इस प्रकार नए उपभोक्ता के लिए ये प्रयास किए गए। लास्ट में एक कोटेशन है, प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइन दे आर गाइडलाइन, यानी जो समस्याएं हैं वो कभी भी नहीं रुकती, वे हमारे लिए क्या है, गाइडलाइन है, यानी हमारे लिए राह दिखाती है। कोई भी समस्या आए तो उसे घबराओ मत, तो ज़िंदगी में आपको वो एक सबक सिखा के जाएगी, एक लेसन दे के जाएगी। इसलिए समस्याओं को डट के सामना करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।